महिलाओं को सरकार से पैसा मिलने का लालच देकर लूटने वाली महिला को क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेश सागले द्वारा दी गई है। पकड़ी गई महिला आमगांव गोंदिया निवासी निशिगंधा उर्फ ज्योति गोपीचंद रामटेके बताई गई। ज्योति ने पिछले कुछ महीनों से शहर में आतंक मचा रखा था। वह समय समय पर नागपुर आती थी, अलग अलग जगहों पर घूमकर वृद्ध महिलाओं की रेकी करती थी। कोई वृद्धा अकेली मिल जाए तो उसे अपना शिकार बनाती थी। उन्हें कोरोना की वैक्सीन लेने वाले वृद्धों को सरकार द्वारा पैसा दिलाने का झांसा देती थी। यूनिट 3 के पूरे पथक ने सब हमारे जो अधिकारी है और सब अमलदार है उन्होंने पिछले 15 दिन से इस पर काम किया था। और एक निशिगंधा रामटेके करके गोंदिया में रहने वाली महिला थी। वो महिला गोंदिया से नागपुर आके अलग अलग जगह पे जाके जो वयोवृद्ध बूढ़ी महिलाएं होती है उनको वो बूढ़ी महिलाओं को बराबर ट्रैप करती थी और उनको तुम्हारे कोरोना के पैसे आए हैं ऐसा बोल के उनके जो गले में का गंठन और बाकी चीज दागिने जो है वो निकाल के लेके जाती थी। इस तरह वो महिलाओं के साथ चीटिंग करती थी। तो नागपुर में पिछले एक साल में समझो 2022 में ऐसे 11 गुने हुए थे जो हमने ओपन किए हैं और उसमें तकरीबन 70 ग्राम का जो सोना है वो सोना भी रिकवर हुआ है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और मोबाइल के डंप डेटा से उसका सुराग मिल गया। क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने शांतिनगर थाना क्षेत्र में 4, लकड़गंज में 4, गणेशपेट कलमना और न्यू कामटी थाना क्षेत्र में एक एक वारदात को अंजाम देना कबूला। उससे 3,50,000 रुपए का सोना जब्त किया जा चुका है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।